अमरनाथ मंदिर इस सभी धर्म स्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। मैं जब हिमाचल आया हूं तो देवभूमि वीर भूमि हिमाचल की गिरी कंदराओं को भी मन पूर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत। हिमाचल में चारों की चारों सीटें तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की चोली में डालोगे ना कांग्रेस वाले? अरे जोर से बोलो डालोगे ना। मगर इसके साथ साथ हमने 6 सीटें विधानसभा की भी कमल खिलाना है। हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा जी है। सुधीर जी आगे आओ, अगर जोर से ताली बजाओ सुधीर जी के लिए। देखो भैया, सुधीर जी को जिताना इसलिए जरूरी है कि 6 सीट जीतने से हमारे नए साथी सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे, हिमाचल में कमल फूल की सरकार बन जाए। बनाना चाहते हो या नहीं चाहते भाइयों बहनों? मैं जब हिमाचल में आया हूं तब चुनाव के 5 चरण समाप्त हो चुके हैं, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है। 5 चरण में देश में क्या परिणाम आने वाला है जानना है क्या? जानना है तो मैं बता देता हूं, 4 चरण में हमारे नेता मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। 5वें और 6ठे चरण की जिम्मेदारी मोदी जी को 400 पार कराने। तो कांगड़ा वालों, आपकी जिम्मेदारी है 400 पार कराने की। और मैं दूसरा भी परिणाम कहता हूं, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, राहुल बाबा इस बार 40 भी पार नहीं करने वाले हैं। 4 जून को परिणाम आते ही, भैया बैठ जाओ, दोनों लोग बैठ जाओ जरा, वो दिल में मोदी बैठ जाओ। 4 जून को परिणाम आते ही मोदी जी 400 पार करेंगे, भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी, और राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं वरना हम तो चुनाव जीतने वाले। ये सब तय ही है। ये जब हिमाचल में जीतते हैं तो शपथ ले लेते हैं, उस वक्त ईवीएम अच्छा, और लोकसभा में जब हारेंगे तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़े। आज खड़गे साहब यहां आए हुए, हिमाचल में आए हुए, खड़गे साहब 4 तारीख तक घूम लो, 6 तारीख को हार का ठीकरा आपके सर पर फूटना तय है। ये भाई बहन तो पूरे हो नहीं सकते, राहुल जी और प्रियंका जी को कुछ नहीं होगा, खड़गे साहब का इस्तीफा लेकर
खड़गे साहब का हार का ठीकरा फोड़ने का कारण एक कांग्रेस पार्टी। और राहुल बाबा एक बात मैं बताता हूं, 6 तारीख को किसी जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि राहुल बाबा का कार्यक्रम है 6 तारीख को, राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर जाने वाले हैं। हिमाचल वालों, आपको पसंद है दो खेमों के बीच, एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23-23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो थोड़ा गर्मी पड़ते ही देश के बाहर छुट्टी करने चले जाते हैं। भाइयों बहनों, ये दोनों के बीच में आपको पसंद है, ये दोनों खेमे पड़े हैं। एक खेमा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरा खेमा इंडिया अलायंस कमेटी या गठबंधन का है। मैं आज आपको कहने आया हूं, 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले भ्रष्टाचार कर 10 साल तक के कांग्रेस पार्टी ने राज किया, जहां जहां राज्य सरकारें बनी वहां वहां भी भ्रष्टाचार किया। इनके साथी भी लालू जी, ममता बनर्जी, सारे के सारे आरोपों में घिरे हुए। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जिनको 23 साल तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। एक और लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ का, और दूसरी ओर कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने देश के 10 करोड़ माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 3 करोड़ घरों में गरीबों को घर दिया, 7 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा अब नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, और 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे बताओ कांगड़ा वालों, मुझे बताओ कोरोना का दोनों टीका आप लोगों का लग गया है या नहीं लग गया है? हाथ ऊपर करो जिसका लग गया है भाई, जरा जोर से हाथ ऊपर करो, दिखाई पड़ेगा। सिर्फ आप लोग नहीं, देश के 130 करोड़ की आबादी को कोरोना का टीका लगाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।